निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वयक समिति, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, वामनर राव गली सीताबर्डी नागपुर महाराष्ट्र में भी है। यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपको बता दें जो कि प्रकाश पाठक जी हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए साझा किए हुए हैं। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रकाश पाठक जी के जरिए मैसेज प्राप्त हुआ है, जो कि सभी EPS एंड पेंशनर्स को जानना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है 17 अक्टूबर सन 2024 के दिन वृद्धों पर हो रहे अत्याचार बंद करो क्या वाहन के साथ विशेष निषेध दिवस का आयोजन है, उसके रिलेटेड है। आपको बता दें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, प्रिय मित्रों नमस्कार, सविनय सूचित किया जाता है कि 17 अक्टूबर 2024 का दिन निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम वृद्ध महिलाओं और बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनुमानित 17 से 20 करोड़ बुजुर्ग से लगभग 80% EPS 95 योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, फिर भी उनके लिए कोई प्रावधान योजना मौजूद नहीं है। पिछले 10 वर्षों से सरकार केवल बैठकें और समितियों के गठन की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक राज्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को उचित सहायता दी जानी चाहिए। कई परिवारों के बच्चे अपनी नौकरी खो चुके हैं और वृद्धों की मासिक महंगाई के कारण अपर्याप्त हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए वृद्धों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक और श्रमिक संगठनों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस निषेध दिवस के अवसर पर हम सभी नागपुर के संविधान चौक पर एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस अभियान को देश भर में फैलाने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। विभिन्न मीडिया माध्यम से जागरूकता फैलाने भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रचार को केवल एक सूचना न समझें, यह एक सामूहिक आंदोलन है। सत्य और असत्य के बीच अंतर को समझकर सही निर्णय लेना आवश्यक है। धन्यवाद। आपका प्रकाश पाठक, महाराष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कि निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वयक समिति से हैं। तो उनके जरिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है। 17 अक्टूबर 2024 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। पूरे सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो जो सिस्टम बना हुआ है केंद्र सरकार का, वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए ये एक सामूहिक प्रयास उनके ज़रिए किया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि इसको सफल बनाया जा सके और जो 17 से 20 करोड़ के बुज़ुर्ग हैं उन तक राहत पहुँच सके। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को जा दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।